आज की इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के बारे में बात करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि कब पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। काफी लंबे टाइम से सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि कब 14वीं किस्त उनके अकाउंट में डाली जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं कि 14वीं किस्त जो आने वाली है वो 27 जुलाई 2023 को सभी किस पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में बैलेंस को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि कल की डेट में। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं और आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि कब आपकी 14वीं किस्त आपके खाते में गवर्नमेंट की तरफ से डाली जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि 27 जुलाई 2023 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट डेट है। तारीख को, यानी कि कल की डेट में ही आपके अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद। आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। अगर आपको आवश्यकता है आपको बैलेंस को निकालने की, तो आप बिल्कुल इसको निकाल भी सकते हैं। इसके साथ एक जानकारी मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि काफी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई भी किस्त नहीं आई है। उन्होंने एक लंबे टाइम से पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई तो कर दिया है, बट उनको अभी तक कोई भी इसका रीजन पता नहीं चल पाया है कि उनके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ जानकारियां दी थी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ईकेवाईसी के बारे में अभी जानकारी नहीं है, गांव देहात में रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, या उन्होंने ईकेवाईसी करवा दिया है तो लैंड सीडिंग का आपका काम अभी पेंडिंग में है, तो कोई ना कोई रीजन आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट में बना हुआ है जिसकी वजह से आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फटाफट आप बिल्कुल भी इसमें देरी मत कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, जो भी आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में वहां पर आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी, जो कुछ अनिवार्य काम है वो आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर है या नहीं है। ये सारी जानकारियां आपको रखनी होंगी जिससे कि इस बारे में आपको ये पूरी जानकारी मिल पाए कि अगर आपका पैसा पीएम किसान सम्मान निधि का नहीं आ रहा है तो उसका क्या रीजन है। अदरवाइज आपने सारे काम करवा रखे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल 12 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा गवर्नमेंट की तरफ से डाल दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि का, और आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि अब तक सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद ये इस पैसे को क्रेडिट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।